सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ICN Explains सीरीज के पहले वीडियो को बेहद पसंद किया। बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए और आप लोगों को इजी रहा समझना कि जो टॉपिक हमने समझाया था, टर्बोचार्ज्ड इंजन वर्सेस जो नॉर्मल इंजन होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है। तो अगर आप नए हैं या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप वो वीडियो सबसे पहले जाकर देखें। उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे, और या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर वो आप समझ लेंगे तो ये वाला टॉपिक जो है वो समझना आसान हो जाएगा। खमागणी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग ICN स्टूडियो, और पेश खिदमत है ICN Explains का दूसरा वीडियो जो कि है पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन की वर्किंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आजकल के जितने भी इंजन्स हैं आप कारों में देखते हैं, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, वो सभी के सभी फोर स्ट्रोक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है यही मदद करता है एक व्हीकल को चलाने में। अब वैसे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक पहलू है वो है एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे बर्न करना। दैट्स राइट, मतलब जो हवा है और ईंधन है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उसका जलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही फर्क होता है पेट्रोल और डीजल इंजन में, मतलब जो जलाने की प्रोसेस है वही इन दोनों को अलग करती है। जो एक पेट्रोल इंजन होता है उसके पहले स्ट्रोक में, मतलब इनटेक स्ट्रोक या फिर आप उससे सक्शन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, उस वक्त जब सिलेंडर में पिस्टन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसके साथ में ही एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो भी सिलेंडर में या चैम्बर में जो है वो एंटर करता है। अब जो सेकंड स्ट्रोक है, जैसे कि हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, उस वक्त जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया उसे कंप्रेस किया जाता है, मतलब जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को तेज से दबाएगा, उसे कंप्रेस करेगा। तीसरा स्ट्रोक जो है, जिसे कि हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं और कंबशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, उस वक्त क्या होता है कि जैसे ही दूसरा स्ट्रोक खत्म हुआ, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कंप्रेस हुआ, साथ में स्पार्क प्लग से एक चिंगारी निकलती है, आग निकलती है, और वो जो मिक्सचर है उसको जला देती है, जिससे कि पिस्टन जो है ऊपर से नीचे की तरफ धकेलता हुआ आता है, मतलब नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। और जो चौथा स्ट्रोक है, ऑफकोर्स उसमें ये जो भी मिक्सचर जला है उससे निकलने वाली जितनी भी गैसेज हैं, जिसे कि हम एग्जॉस्ट गैसेज बोलते हैं, वो बाहर निकल जाती है और एनवायरमेंट में मिल जाती है। वहीं पर अगर आप एक डीजल इंजन की बात करेंगे तो उसमें भी फोर स्ट्रोक होती है, पर जो पहला स्ट्रोक है इनटेक स्ट्रोक, उसके अंदर सिर्फ एयर आती है, मतलब फ्रेश एयर आपके सिलेंडर में आएगी। जो सेकंड स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, उसमें सिर्फ एयर जो है उसी को कंप्रेस किया जाता है, मतलब यहां पर अभी तक कोई फ्यूल का लेना देना नहीं है। तो जैसे ही सेकंड स्ट्रोक में एयर को कंप्रेस किया तो वो एयर इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि थर्ड स्ट्रोक जो है उसमें बिना स्पार्क प्लग के भी जैसे ही फ्यूल अंदर जाएगा उसमें आग लग जाएगी। मतलब यहां पर आपको स्पार्क प्लग जो है उसकी चिंगारी की या उसकी आग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हवा जो है सेकंड स्ट्रोक में ही हमने इतनी ज्यादा गर्म कर दी है कि जैसे ही फ्यूल गिरेगा उसमें आग लग जाएगी। और चौथा जो स्ट्रोक है, ऑफकोर्स उसमें एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती है और एनवायरमेंट में मिल जाती है। तो यही एक मेजर फर्क है पेट्रोल और डीजल इंजन्स में, कि पेट्रोल इंजन्स जो है वो स्पार्क प्लग की मदद से इग्निशन करता है या आग लगाता है, और जो डीजल इंजन है वो कंप्रेशन की मदद से आग लगाता है। और इसी वजह से जो पेट्रोल इंजन्स हैं उन्हें हम SI इंजन भी बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, और जो डीजल इंजन है उसे हम CI इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम कंप्रेस करके इग्निशन कर रहे हैं, कंप्रेशन इग्निशन हो रहा है। आपने सुना होगा कि जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो एक पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है। तो ये कंप्रेशन रेशियो और कंप्रेशन होता क्या है वो मैं आपको समझा जाता हूँ। उसको समझाने के लिए मैं अपनी ये परफ्यूम की बॉटल इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि सिलेंडर का जो शेप होता है वो ऐसा ही होता है। इसमें जो मैंने नीचे टेप लगाई है, इस हिस्से को आप बोल सकते हो बॉटम डेड सेंटर, BDC आप इसे बोल सकते हो, और जो ऊपर वाला मैंने टेप लगाया है इसे आप बोल सकते हो TDC। तो डीजल इंजन में जब पिस्टन सबसे नीचे वाले हिस्से में है, BDC में है, तो उस वक्त मान लो उसके अंदर 15 यूनिट की हवा है, और जब कंप्रेशन स्ट्रोक में उसे दबाते हुए वो ऊपर की तरफ लेके जाता है, मतलब पिस्टन इस हवा को दबाएगा, दबाते दबाते यहां तक लेकर आएगा और उस 15 यूनिट की हवा को एक यूनिट में बदल देगा, इतना दबा देगा वो, इतना कंप्रेस कर देगा। तो इस सिलेंडर का या इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना हुआ, 15:1 का, मतलब 15 यूनिट की हवा को हमने इतना दबाया और TDC तक पहुंचा दिया कि वो एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो जो आपने सुना है कि एक डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो एक पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है, उसका कारण जो है वो यही है कि
उसमें हवा जो आ रही है उसे इतना ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा कि वो इतनी गर्म हो जाए कि जैसे ही उसमें फ्यूल आए तो आग लग जाए। और यही तो एक्चुअली आपको करना भी होता है एक व्हीकल को चलाने के लिए। इसीलिए अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो टाटा नेक्सॉन का जो पेट्रोल मॉडल है उसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो है 9.6:1 का। वहीं पे अगर आप इसके डीजल मॉडल की बात करेंगे तो उसका कंप्रेशन रेशियो होगा 16:1 का। वहीं पे इसका जो कॉम्पिटिटर है फोर्ड इको स्पोर्ट्स की अगर आप बात करेंगे, उसका फोर्ड इको बूस्ट वाला जो मॉडल आता था, अनफॉर्चुनेटली उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसका कंप्रेशन रेशियो था 10:1 का। वहीं पे अगर इसके डीजल मॉडल की बात करेंगे तो उसका कंप्रेशन रेशियो होता है 16:1 का। तो यही बेसिक फर्क होता है एक पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में। आई नो कुछ एक लोग आएंगे अभी भी और वो बोलेंगे कि कुछ एक और टर्मिनोलॉजी समझाए थे, थोड़ा और डिटेल में समझाए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम जो वीडियो बनाते हैं वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए भी बनाते हैं, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम आम भाषा में समझा सकें, जिससे कि उन्हें भी समझ में आए कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है या जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है ऑटोमोबाइल उन्हें भी समझ में आए। तो धीरे धीरे करके पहले बेसिक्स कवर करते हैं, उसके बाद में हम और डिटेल में और सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी छेड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि मैं एड्रेस नहीं कर पाया हूं इस वीडियो में पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन से रिलेटेड, मतलब आप में से कई लोग पूछेंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी डीजल इंजन की क्यों ज्यादा होती है, तो वो एक अलग टॉपिक होगा हमारा, हम अलग कवर करेंगे। तो आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम उन पे गौर करेंगे या फिर कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।